इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को किसी न किसी के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के चलते हुए जिला नेहरू युवा केंद्र फिरोजाबाद के कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया और रैली निकालकर लोगों को कैशलेस के फायदे बताए और बताया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और कैशलेस सिस्टम के फायदे भी बताएंगे। अपने राज्य श्रीमान प्रवीण जी की तरफ से आप सभी का अपने सभी प्रतिनिधियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद के जिला युवा समन्वय अधिकारी। इन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर एक मुहिम चलाई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में कैशलेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर तरफ हर कोई कैशलेस को बढ़ावा दे रहा है। इसी के चलते हुए इसी श्रृंखला में इन्होंने एक मुहिम चलाई है, उसके माध्यम से जानते हैं कि इनकी क्या क्या योजनाएं हैं। कैशलेस जो आपने अभी चलाई है, आप युवा हैं, आपके बच्चे युवा हैं, उन्होंने एक अभी मुहिम चलाई है, उसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग खुश हैं और कुछ परेशानियां भी हैं बैंकों में लाइन लग, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक जो उपाय आया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सोच जो है कि हिंदुस्तान को कैशलेस किया जाए। जो भी हम ट्रांजेक्शन करें, कोई भी चीज़ खरीदें, तो हम कैशलेस, उसके कई तरीके ईजाद भी हुए हैं, पेटीएम के माध्यम से तमाम सारी ऐप्स आई हैं,